हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ओलिव ग्रीन में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित राजस्थान की लोक कलाओं पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, फोक आर्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें मैं पिछले वर्षों के आधार पर जो महत्वपूर्ण लोक कलाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसी आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार की गई है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो है राजस्थान की लोक कलाओं पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कौन कौन सी है राजस्थान की लोक कलाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं पट चित्रण या फड़ चित्रण। क्या होते हैं फड़? कपड़े पर जब लोक देवताओं की गाथाओं का चित्रण किया जाता है तो ये फड़ कहलाती हैं। सर्वाधिक लंबी, सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकन होने वाली फड़ है देवनारायण जी की फड़। याद कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देवनारायण जी आराध्य देवता है गुर्जरों के, इसलिए गुर्जर भोपे इनका गायन करते हैं जंतर वाद्य के साथ में। किसके साथ में? जंतर वाद्य के साथ में इसको गाते हैं। 1992 में भारतीय डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। इस पर देख सकते हैं आप, ये डाक टिकट दिखाया गया है और ये देवनारायण जी की फड़ दिखाई गई है। इसमें देवनारायण जी को दिखाया गया है लीलागर घोड़ी के ऊपर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है, इसलिए इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबू जी की फड़ है लोकप्रिय, नायक भोपो द्वारा गाई जाती है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। इसमें बाबू जी को दिखाया गया है, ये बाबू जी की फड़ है और इसमें बाबू जी को दिखाया गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर जो है काले घोड़े के ऊपर इस ये है केसर कालमी घोड़ी, किसकी? बाबू जी की केसर कालमी घोड़ी है और ये बाबू जी की फड़ को दिखाया गया है। विभिन्न कहानियों और गाथाओं के द्वारा इसको चित्रित किया गया है। इनको चित्रित करने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं? चितेरे कहलाते हैं। इसी तरीके से रामदेव जी की फड़ होती है कांवड़ जाति, मतलब कांवड़ जो संप्रदाय है, कांवड़ पंथ है, उनके भोपो द्वारा गाई जाती है। श्रीलाल जोशी जो हैं वो पट चित्रण हेतु ख्याति प्राप्त हैं। श्रीलाल जोशी नाम याद कर लें, श्रीलाल जोशी को ख्याति है इसमें। कन्हैयालाल जोशी की पत्नी श्रीमती पार्वती जोशी, पार्वती जोशी भारत की प्रथम पटचितेरी महिला हैं। पटचितेरी महिला का श्रेय किसको जाता है? श्रीलाल जोशी की पत्नी श्रीमती पार्वती जोशी को, और श्रीलाल जोशी ख्याति प्राप्त है इसमें। अब हम पढ़ते हैं दूसरी लोक कला मांडना। मांडना मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा आंगन में ज्यामितीय अलंकरण का बनाना क्या कहलाता है? मांडना कहलाता है। विभिन्न प्रकार के मांडने राजस्थानी लोक कला में बनाए जाते हैं घरों पर, विशिष्ट त्योहारों पर, विशिष्ट अवसरों पर। इनमें पगलिया जो है देवताओं के पैरों के निशान बना दिए जाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, देखिए पगलिया इसमें क्या है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से देवता जो है हमारे घर पर, हमारे ग्रह में उनका आगमन होता है। ये देवता के आगमन को दर्शाता है पगलिया। स्वास्तिक जो है वो चारों दिशाओं में दर्शाता है, चारों दिशाओं में उन्नति, चारों दिशाओं में खुशी को दर्शाता है। बच्चे के जन्म और विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर स्वास्तिक बनाया जाता है, ये स्वास्तिक का मांडना दिखाया गया है यहाँ पर। ताम जो है विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला मांडना है। चौकड़ी मांडना कब बनाया जाता है? होली के अवसर पर बनाया जाता है। तो ये है मांडना। अगली लोक कला है कास्ट कला। तो कास्ट कला के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कठपुतली। इसकी जन्मस्थली जो है वो राजस्थान है। कठपुतली का निर्माण उदयपुर में होता है। लोक कला मंडल ने इसको बढ़ावा दिया है और इसको बढ़ावा देने का श्रेय जो है देवीलाल सामर को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें कठपुतली नगर जो है वो जयपुर है। तो उदयपुर का लोक कला मंडल जो है कठपुतली के विकास में बढ़ावा देने में इसका श्रेय जाता है लोक कला मंडल को। इस कला को GI टैग प्राप्त है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कठपुतली कला जो है इसको GI टैग प्राप्त है। अब हम बात करते हैं तोरण की। तोरण क्या होते हैं? विवाह के अवसर पर दुल्हन के गृह प्रवेश के द्वार पर लगाया जाने वाला ये इस प्रकार का जो है वो तोरण कहलाता है। ठीक है, इसमें गणपति विराजमान रहते हैं। नेक्स्ट कला के बारे में पढ़ते हैं हम। कांवड़ क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लकड़ी का चलता फिरता मंदिर होता है। चलता फिरता क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, भागवत ज्ञान, राम भक्ति आदि का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसकी दीवारों पर क्या रहता है? देवी देवताओं का चित्रण होता है और इसके कपाट होते हैं। ये यहाँ पर चित्र के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कपाट दिखाए गए हैं यहाँ पर, जिन पर क्या है, भगवान और उनसे संबंधित गाथाओं का चित्रण किया गया है। कांवड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? बस्सी गांव में इनका निर्माण होता है। बस्सी गांव कांवड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मांगीलाल मिस्त्री इस कार्य हेतु ख्याति प्राप्त है। मांगीलाल मिस्त्री का नाम कांवड़ निर्माण में फेमस है, प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं बेवाण। ये भी कांवड़ की तरह ही होते हैं, परंतु ये लकड़ी के बने देव विमान होते हैं। आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है देव विमानों से किस तरीके से झांकी निकाली जा रही है। देखिए किस तरीके से चार देव विमान एक साथ दिखाए गए हैं और बहुत से इसमें श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं।
तो ये मिनिएचर वुडन टेम्पल होते हैं। देव झूलनी एकादशी पर इनसे झांकी निकाली जाती है। देव झूलनी एकादशी कब आती है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में आने वाली एकादशी क्या होती है? देव झूलनी एकादशी होती है। इसमें क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को इनके अंदर विमान के अंदर बेवाण जिनको बोला जाता है उनमें ले जाकर तालाब पर स्नान करवाया जाता है, इसलिए इसको देव झूलनी एकादशी बोलते हैं। नेक्स्ट सांझी। सांझी क्या है? राजस्थानी कन्याओं द्वारा कलापूर्ण व्रतोत्सव है। मूलतः ब्रज क्षेत्र की कला है, यह मूलतः ब्रज क्षेत्र की कला है, परंतु ये राजस्थान आ गई है तो यहाँ पर सांझी बनाई जाती है। किस प्रकार की? विभिन्न प्रकार की सांझियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर एक बालिका द्वारा बनाई जाने वाली सांझी इस चित्र में दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर कलात्मक लोक कला है। इसमें गोबर द्वारा, चुन्नी द्वारा और बहुत सारे अनेक मिर्च, गेरुआ आदि के मिश्रण बनाकर क्या किया जाता है, सांझी बनाई जाती है। दीवारों पर बनाई जाती है, आंगन में बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार की सांझियाँ बनाई जाती हैं। तो इसमें नाथ द्वारा की जो सांझी है, जो केले के पत्ते द्वारा बनाई जाती है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो चित्र है इसके अंदर नाथ द्वारा की सांझी दिखाई गई है। केले के पत्ते, ये जो हरे रंग की सांझी दिख रही है केले के पत्ते द्वारा बनाई गई है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की सांझी जो कि केले के पत्ते द्वारा बनाई जाती है। उदयपुर में एक मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर है। मच्छिंद्र नाथ जो भगवान शिव के या गोरखनाथ जी के अवतार थे, मच्छिंद्र नाथ, इनका उदयपुर में मंदिर है और ये सांझी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर अनेकों सांझियाँ बनी हुई है, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया, सांझी मंदिर। मच्छिंद्रनाथ मंदिर, सांझी मंदिर। पानी क्या होते हैं? देवी देवताओं के कागज पर बने चित्रण जो होते हैं वो पाने होते हैं। विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली पर क्या किया जाता है, लक्ष्मी जी, गणेश जी आदि देवताओं के पाने क्या कर दिए जाते हैं, दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। पिछवाइयाँ क्या होती हैं? जब बड़े पर्दे पर देवी देवताओं के अवतारों का चित्रण किया जाता है या उनकी गाथाओं का चित्रण किया जाता है तो इनको क्या बोलते हैं, पिछवाइयाँ बोलते हैं। पिछवाइयाँ बोलने का कारण ये है कि ये मंदिर में मुख्य मूर्ति के पीछे बैकग्राउंड में या पृष्ठभूमि में लगाए जाते हैं। मुख्य मूर्ति तो आगे की ओर रहेगी, पीछे के जो पर्दा रहेगा, जो कपड़े का होगा पर्दा या फिर कोई दीवार पे चित्रांकन होगा, तो वो क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो चित्र है वो नाथ द्वारा की पिछवाई है। इसमें कृष्ण जी को दिखाया गया है किस प्रकार वो उनकी जो कहानी है उसको दर्शाया गया है पिछवाई के द्वारा। गोरबंद क्या है? गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण जो होता है, गोरबंद होता है, बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। कांच, कोड़ियों, मोती, मणियों से गूंथ कर बनाया जाता है। इसमें नीचे के एक चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार ऊंट का आभूषण है, किस प्रकार ऊंट को सजाया गया है। ये ऊंट महोत्सव कैमल फेस्टिवल से लिया गया चित्र है जो कि कतरियासर बीकानेर में मनाया जाता है। इसको भी याद रखें, वहाँ पर जसनाथ जी का गांव है कतरियासर, तो वहाँ पर बनाया जाता है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट का गले का आभूषण क्या कहलाता है, गोरबंद कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला एवं संस्कृति पर मेरी वीडियो, राजस्थान की लोक कला पर। इसमें मैंने महत्वपूर्ण लोक कलाओं के बारे में चर्चा की। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ कोई ना कोई टॉपिक पर महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आपकी तैयारी अच्छी रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।